राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नए वीडियो में स्वागत है। कार्तिक मास 2024 कब से शुरू हो रहा है? कार्तिक मास किस देव की पूजा होती है? पूजा का क्या है नियम? कार्तिक मास जाने इसका धार्मिक महत्व और नियम। कैसे है ये पुण्य कमाने वाला महीना? भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए तुलसी से जुड़े करें कुछ नियम, वरना दिवाली पर निकल जाएगा दिवाला। और जाने कहां और कब करें देवदान। साथ ही जाने तुलसी पूजन के नियम और तुलसी पूजन कार्तिक मास में पूजा करने का और देवदान का क्यों है अत्यधिक महत्व। कार्तिक मास 2024। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन होता है। इस महीने में किस देव की पूजा होती है और इसके क्या नियम होते हैं? हिंदू धर्म में वैसे तो कई महीने ऐसे आते हैं जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और खास माने जाते हैं, लेकिन इन सभी में कार्तिक का महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। वहीं इस माह में पूजा के नियम भी अलग होते हैं। कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है और इसमें किस देव की पूजा की जाती है और इसके नियम क्या हैं? कार्तिक माह हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना होता है। यह जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। इस महीने में ही भगवान विष्णु 4 महीनों के विश्राम के बाद जागते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस पावन माह की शुरुआत कब से हो रही है और इसमें पूजा के नियम क्या हैं। कब से शुरू हो रहा है कार्तिक का महीना? हर वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा, जिसका समापन अगले महीने यानी 15 नवंबर को होगा। ऐसे में आइए जानते हैं इस माह में किस देव की पूजा की जाती है और कार्तिक में पूजा के नियम क्या हैं। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है और यह माह उनकी कृपा पाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। वहीं इस माह विष्णु जी के साथ साथ तुलसी और माता लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है, लेकिन कार्तिक माह में पूजा करने के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करने पर ही आपको पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। कार्तिक माह में पूजा करने का नियम क्या है? कार्तिक माह में प्रतिदिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस माह में तुलसी और लक्ष्मी जी के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में कार्तिक माह में तीनों की पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की उपासना करने का विधान है। ऐसे में सुबह और शाम को देसी घी का दीपक जलाएं और माता तुलसी को जल चढ़ाएं। कार्तिक माह में संयम और साधना का विशेष महत्व है, जो जीवन की पवित्रता और शांति प्रदान करता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। ऐसा करने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त इस मास में भजन, कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज सहित कई अन्य पर्व भी मनाए जाते हैं। श्री हरि जल में निवास करते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस मास में प्रतिदिन श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए। तुलसी के पौधे की उपासना अवश्य करें। सुबह एवं शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। इसके अतिरिक्त श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान करना भी फलदायी साबित होता है। प्रतिदिन विधि पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान में दीपक जलाएं। कार्तिक के महीने में तामसिक चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। किसी से बातचीत के दौरान गलत शब्द का प्रयोग ना करें। तन और मन की स्वस्थता को बनाए रखें। किसी भी पशु पक्षी को हानि ना पहुंचाएं। कार्तिक मास चातुर्मास का अंतिम महीना होता है। इसी माह से देव तत्व मजबूत हो जाता है।
इस महीने धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। कार्तिक मास में शिव पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक माह में तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इससे माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में तीर्थ नदियों में या उसके जल से प्रतिदिन स्नान करने पर मिलता है। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। इस महीने दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। खासकर दीपदान करने से यमराज की यात्राएं नहीं सहनी पड़ती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह पाप से मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, गराड़ू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। खाली पेट पानी पीने के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं, इससे साल भर बीमारियों से राहत मिलती है। कार्तिक के महीने में श्रीहरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार के तामसिक चीज़ें ग्रहण न करें। कार्तिक महीने के दौरान बैंगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस माह से मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है, ठंड पड़ने लगती है। इन ठंडी चीज़ों को खाने पर सेहत को नुकसान हो सकता है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने और फिर भगवान विष्णु की पूजा करने का बहुत महत्व है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य करें। रविवार और एकादशी का दिन छोड़कर प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने या तुलसी जी के पत्ते से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ हो जाती हैं, वो कंगाल कर सकती हैं। भगवान विष्णु भी नाराज़ होते हैं और सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं, साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई रखें। तुलसी के पौधे के पास अंधेरा ना रहने दें। शाम होते ही वहाँ रोशनी का इंतजाम करें, साथ ही दीपक जलाएं। तुलसी के आसपास कोई कांटेदार पौधा ना रखें, ना ही बिना स्नान किए या गंदे हाथों से तुलसी के पौधे को छुएं। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को हाथ ना लगाएं, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। इस मास में पुण्य प्राप्त करने का आसान और सहज नियम है। इस माह में विष्णु मंदिर में दीपक जलाना बहुत पुण्यदायी है। कार्तिक में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। गंगा जी में भी दीपदान करते हैं। इस माह में विष्णु पूजा, दीपदान, व्रत और दान का पुण्य अनंत है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान कर तुलसी और पीपल की पूजा कर दीपदान किया जाता है। एक विशेष बात यह भी है कि भक्त पूरे दिन निराहार या फलाहार रहते हैं तथा रात्रि में तारों के उदय होने पर उनको अर्घ देते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। दीपदान करने के पीछे का कारण यह है कि कार्तिक मास की प्रथम 15 दिन की रातें सबसे काली रातें होती हैं। भगवान विष्णु के जागने के ठीक पूर्व दीप जलाने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें। इस माह में तुलसी पूजन अवश्य करें। भूमि पर ही शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। नित्य दान करें। कार्तिक मास में दीप दान करने से मन के विकारों, काम क्रोध, मद और लोभ का नाश होता है। आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है। आरोग्यता मिलती है। सुयोग्यता आती है। मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मन के दीप भी जलने चाहिए, अर्थात अंत में भक्ति और ज्ञान के दीपक जलना ही मन के तम को मिटा पाएगा। इस पवित्र कार्तिक मास में दीपदान का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।